मेरे हाथ में दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एग्रीमेंट की कॉपी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल चुका है और इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन करवाना है, इसके लिए आपको वेंडर से कांटेक्ट करना होगा। उसके साथ ही जब हम इंस्टॉलेशन करवाएंगे, उससे पहले वेंडर जो कि डीलर होते हैं और आवेदक एप्लीकेंट, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो होती है कि कितने टाइम तक हमें इसमें मेंटेनेंस दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। हमारे बीच में जो दो पक्षों के बीच में समझौता होता है उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। तो अब ये एग्रीमेंट की जो आप देख रहे हैं फॉर्म है, ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इसका प्रिंट आउट निकालना है, इस पर जो वेंडर होता है उसके भी सिग्नेचर होते हैं और जो एप्लीकेंट होता है उसके भी सिग्नेचर होते हैं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद ही आपको साइन करना है। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो एग्रीमेंट की जो कॉपी है इससे हम पूर्णतया सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, तो आप नेक्स्ट आगे स्टेप उठा सकते हैं। जिनको भी फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल चुका है सोलर पैनल का, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो भी मैंने कई वेंडर से बात की है और आज उसका डाउट क्लियर हो चुका है, आज मैंने हेल्पलाइन पर भी बात कर ली है, तो वहाँ से जो हम बात कर रहे थे कि जो सोलर पैनल है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट, तो इसमें क्या बैटरी भी साथ लगेगी। तो कई वेंडर ने बैटरी के लिए बोला था और कई वेंडर ने मना किया था कि बैटरी इसमें नहीं लगेगी, अगर हम बैटरी लगाते हैं तो मैं गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो इसी के लिए आज मॉर्निंग में मैंने जो कस्टमर का हेल्पलाइन नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप भी कोई भी डाउट है तो सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, उसका नेक्स्ट स्टेप बढ़ाइए। एक बार आप वेंडर से मिल लीजिए सोलर पैनल लगवाने से पहले। और जो एग्रीमेंट की कॉपी है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको डाउनलोड करके प्रिंट करना है, इसको समझ लीजिए और थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोर्टल के ऊपर और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का पोर्टल लॉगिन कर लेना है। तो हम भी लॉगिन कर लेते हैं, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं मैं किस तरह आपको एग्रीमेंट फॉर्म डाउनलोड करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप देखिए, तो अकाउंट ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहां पे अपलोड साइन कॉपी ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन वेंडर एंड कस्टमर, कस्टमर और वेंडर के बीच में जो समझौता हुआ है उसकी कॉपी हमें यहाँ पर 500 KB में स्कैन करके और अपलोड करनी होगी। इसके बाद जो सोलर पैनल है वो वेंडर द्वारा हमारे जो छत है उस पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और अब आपको एग्रीमेंट का जो फॉर्म है ये कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे साइड में हेल्प डॉक्यूमेंट से यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दिखाई देगी। बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है दोस्तों, यहाँ पे स्टेप वाइज प्रोसीजर स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ्स एंड एग्रीमेंट विथ स्कोप ऑफ वर्क। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो प्रोसीजर का है इस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस पूरी योजना को समझ पाएंगे। PDF ओपन हुआ है, इसके अंदर प्रोसीजर ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ टॉप सोलर प्लांट थ्रू नेशनल, यहाँ दोस्तों PM मुफ्त बिजली घर योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, हर आम आदमी इसको डायग्राम से समझ सकता है। तो मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन करना होगा जो पोर्टल है इस पर जाकर solarrooftop.gov.in पे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद हमें लॉगिन करना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा और कैप्चा कोड डालने के बाद एक OTP आएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप देखें दोस्तों, थर्ड स्टेप के अंदर डिस्कॉम विभाग द्वारा जो हमने यहाँ से सूचना दी है, जो बिल वगैरह अपलोड किया है उसको एक बार चेक किया जाएगा। इसके बाद हमें फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाएगा और बाय द वे कोई भी मिस्टेक होगी या गलत इन्फो हमने डाली है तो वो फिर से रिजेक्ट हो जाएगी और रिटर्न ऑफ करेक्शन, तो रिटर्न वापस हमें करेक्शन के लिए भेज दी जाएगी, तो हम यहीं से एडिट कर करेक्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद सिलेक्शन ऑफ वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन, इसके बाद हमें जब फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाता है तो हमें जो वेंडर है उनसे कांटेक्ट करके प्लांट का इंस्टॉलेशन करवाना होता है, यानी सोलर पैनल लगवाना होता है। इसमें हमें एग्रीमेंट जो होता है वो भी इसी टाइम हो जाता है। इसके बाद इंस्टॉलेशन की जो डिटेल है जिसमें जो एप्लीकेंट होता है उसकी एक फ़ोटो खींची जाती है प्लांट के साथ में और इसको वहाँ पे अपलोड किया जाता है, जिसमें हमारा एग्रीमेंट और इंस्टॉलेशन डिटेल होती है। इसके बाद में डिस्कॉम विभाग द्वारा इसका इंस्पेक्शन किया जाता है और नेक्स्ट जब इंस्पेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में जो नेट मीटर है इसमें इंस्टॉल्ड, इसके बाद डिस्कॉम विभाग है उनके द्वारा नेट मीटर लगा दिया जाता है और इसके बाद एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट होता है, प्रोजेक्ट कमीशनिंग स्टेटस। और 7 जो स्टेप है इसमें, आफ्टर जनरेटिंग ऑफ कमीशनिंग सर्टिफिकेट द एप्लीकेंट कैन राइज ऑनलाइन सब्सिडी, इसके बाद हम जो सर्टिफिकेट इसको ऑनलाइन अपलोड करना होता है जो हमने अकाउंट बनाया वहीं से, और इसके बाद 30 दिन के बाद
अगर सारी सूचनाएं करेक्ट होती है डिटेल, तो सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि जो भी एप्लीकेंट है उसको स्वयं के मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके नाम से बिल है और जिसके नाम से बैंक अकाउंट है, जिस उसी के नाम से आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए फिर से चलते हैं पोर्टल पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, हेल्प डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये यहाँ पे फोटोग्राफ्स जो हमें अपलोड करना है वो किस तरीके से करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल राइट तरीका है इधर। और अगर इस तरीके से आप अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ाइल फिर से रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए, एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ, इस तरीके से आपको जो सर्टिफिकेट है उसको लेके, जो छत पे सोलर पैनल लगा है, ये तीनों फोटो में अच्छे से समझाया गया है। और अदरवाइज इस तरीके से आप करते हैं तो ये फाइल रिजेक्ट हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, एग्रीमेंट फॉर्म, एग्रीमेंट विथ स्कोप वर्क का जो है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मॉडल एग्रीमेंट बिटवीन जो हम दो एप्लीकेंट और रजिस्टर एम्पैनल्ड वेंडर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम इन रेजिडेंटल हाउस, जो आवासीय घर है इसके ऊपर जो सोलर पैनल लग रहा है, तो इसमें जो एप्लीकेंट है, आवेदक है और जो वेंडर, उसके बीच में जो एग्रीमेंट होना है उसका ये फॉर्म है। इसको फिलअप करने के बाद अच्छे से आप पढ़ लीजिए। और ये 5 पेज का फॉर्म है दोस्तों, जिसमें सारी टर्म्स कंडीशन बताई गई है। और इसमें बताया गया कि 5 साल तक जो सर्विस होगी ये वेंडर द्वारा आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। मेंटेनेंस, जो कंप्रेसिव मेंटेनेंस ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल अंडर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ऑफ रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। तो यहाँ पे एग्रीमेंट, तो यहाँ पे डे, मंथ और ईयर कितने टाइम के लिए हो रहा है, तो 5 ईयर के लिए होगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको फिलअप करके इंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें करनी है, तो आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी अगर आप बिल्कुल सही से करेक्ट से ये सारी चीज़ें करते हैं। तो गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से समझ लीजिए। और इसमें जो सोलर पैनल लगना है, इसमें बैटरी अगर कोई लगवा रहा है तो आप ना लगवाएं। और एक बार जो हेल्पलाइन नंबर है 1555, इस पर आप कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर लीजिए, आपकी सारी जो डाउट और क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।